ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नवादा जिले से सटे झारखंड की जंगलों से भटक कर 9 हाथियों का झुंड नवादा की ओर बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार इस पर नजर बनाए हुए, इन सिर फिरे हाथियों को पुनः वापस भेजने के लिए वन विभाग की टीम काफी मशक्कत कर रहे हैं। झुंड में 9 जंगली हाथी शामिल हैं और इसके वजह से लोगों में दहशत व्यापक है। नवादा जिले के रजौली अनुमंडल के जहां 9 जंगली हाथियों का झुंड रजौली प्रखंड के रतनपुर गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिसे लेकर गांव में दहशत व्यापक हो चुका है। फिलहाल हाथियों का झुंड गांव से सटे जंगल में उत्पात मचा रहे, कई पेड़ों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही डीएम को भी सूचना दे दी गई है। सूचना मिली है कि हाथियों ने इसके पहले समवर्ती क्षेत्र झारखंड के कोडरमा जिले के कई घरों को क्षति पहुंचाया है। वे अभी रजौली के रतनपुर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सूचना के बाद अधिकारी के द्वारा टायर जलाकर एवं सायरन बजाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि अभी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ है। इन लोगों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही टायर जलाकर हाथी को जंगल में भेजने की कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन और वन विभाग की टीम हाथियों पर बारीकी से नजर बनाए हुए। बहुत बड़ा विशाल हाथी है।